विजय रैना है, मैं सरपंच हूँ यहाँ डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में। आज हमारा जो मकसद था यहाँ आपस में मिलने का, हम सारे सरपंच हजरात आज मिले हैं और हमारी डीसी साहब से भी मीटिंग हुई है। मेन मसला ये है कि हम पिछले 2-2.5 साल से यहाँ अपने जान का जोखिम लेके काम करने आए हैं और लोगों की खदमत करने के लिए आए हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने ई टेंडरिंग का जो प्रोसेस शुरू किया है पंचायतों में भी, जो हमें फंड्स आ रहे हैं, चाहे 15FC है, चाहे हमारा कोपेक्स का फंड है, तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट ई टेंडरिंग कर रही है, जिसमें हमारा मुतालबे ये है गवर्नमेंट से कि हम बहुत मुश्किल घड़ी से निकले हैं और यहाँ हम कुछ सेवा करने आए हैं लोगों की, और जो हमारी पंचायत में लोग जो काम कर रहे हैं, जिनको वेज जनरेट होता था, जिनको एक रोज़गार मिलता था इस पंचायत में हमारे थ्रू, उसमें जब ई टेंडरिंग जो हो रही है वो बाहर के लोग आएंगे, बड़ी बड़ी मछलियाँ आएंगी, और जो हमारे छोटे लोग जो 1 लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए का कुछ काम करता था, 2 लाख रुपए का काम करता था, अपना 5,000, 10,000, 15,000 उसकी बेचारे की रोजी रोटी उससे बनती थी, उसका परिवार चलता था, वो बिल्कुल उनसे छीना जा रहा है। हमारा जो डीसी साहब से आज मुतालबा था, जो हम उससे मिले, उनको हमने मेमोरेंडम भी दिया इससे रिलेटेड, और हमारा मुतालबा हमारे गवर्नर साहब मनोज सिन्हा जी से ये है कि आप ये हमारी परेशानी को समझिए और जो ई टेंडरिंग का प्रोसेस है इसको ई टेंडरिंग के थ्रू ना करके जो हमारे गांव के जो बाशिंदे हैं, जो छोटा मोटा 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए का काम करके कोई गली बनाता है, कोई कुछ रोड बनाता है, कोई कहीं पर नाली बनाता है, उसका रोज़गार भी चले और हमारे को ये प्रॉब्लम्स जो हमारा जो रोज़गार का मसला है वो ख़त्म। थैंक यू।